पांच राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा चार राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल कर फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भाजपा को अब चार राज्यों में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने से भी अधिक खुशी देने वाली एक खबर मिल चुकी है और इस खबर के साथ ही भाजपा भविष्य में होने वाले चुनाव में भी आसानी से विजेता बनकर उभर सकती है। अब आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर वो खबर है क्या। तो खबर ये है कि पांच राज्यों में करारी हार के बाद भी कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं कि गांधी वाड्रा परिवार को कांग्रेस का नेतृत्व नहीं छोड़ना चाहिए, उल्टे राहुल गांधी को अब कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष पद भी ले लेना चाहिए। जी हाँ, इस खबर के बाद तो भाजपा का खुश होना लाजिम है कि आखिर 2014 से हार पर हार देख रही कांग्रेस का नेतृत्व उनके अपने ही नेता नहीं बदलना चाहते। जब भी कभी बदलाव और कांग्रेस की नीतियों के पोस्टमार्टम के लिए आवाजें उठती हैं, उन्हें दबा दिया जाता है। गौरतलब है कि पांच राज्यों में हार के बाद खबर आई थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से गांधी वाड्रा परिवार यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन उसके एक दिन बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे दमखम से मुकाबला कर रहे हैं। अब वो ये मुकाबला कहाँ कर रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये तो अशोक गहलोत ही बता सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा भी सिर्फ उन्हें ही हो रहा है। और सचिन पायलट के लाख चाहने के बाद भी गहलोत गद्दी छोड़ने के मूड में नहीं हैं और गांधी परिवार का हाथ भी उन पर है। गहलोत ने कहा कि राजनीति में कई तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों ने लंबे समय से देखा है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उसे कभी संसद में सिर्फ दो सीट मिली थी, इसीलिए चुनाव में हार जीत होती रहती है, हम उनसे घबराते नहीं हैं। गहलोत ने आगे कहा कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो पूरे दमखम के साथ नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी राहुल गांधी जी को टारगेट करके ही अपना भाषण शुरू करना पड़ता है और उसका अंत भी करना पड़ता है। अब आप समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब है। वहीं कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक के दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी के मुख्यालय के पास इकट्ठा हुए और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान एक बार फिर से सौंपने की मांग भी की। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।